हमारे चैनल टिकटल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को दबाएं और लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले टिकटल पे देखिए। अभी चाहते हैं कि क्या वो वर्डप्रेस प्लगइन्स है जो हमारे वेबसाइट के लिए होने ही चाहिए, तो मैं आपको कुछ मस्ट है प्लगइन्स की लिस्ट दूंगा जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जो बेस्ट प्लगइन्स है। मैंने काफी टेस्ट किया, मैंने काफी यूज किया है, उसके बाद मैंने ये लिस्ट तैयार किया। तो क्या है ये लिस्ट, चलिए हमारे वीडियो में जानते हैं। So let's get started. The first one plugin that we're using is Ad Inserter. Ad Inserter is a plugin that will help you to insert ads from Google AdSense or from any other platform like Media Group. So you can just insert their codes. It will give you specific places. The Ad Inserter plugin, we can just paste those codes and it'll ask you where you want to paste. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है बीच में अपीयर हो तो बीच के लिए ऑप्शन होगा, अगर आप चाहते हैं आपका ऐड एंड में अपीयर हो तो एंड के लिए भी ऑप्शन होगा। तो ये आपको बहुत ही स्पेसिफिकली आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है इन केस अगर आप अपने वेबसाइट पे ऐड्स दिखाना चाहते हैं गूगल या फिर किसी और पर्टिकुलर ग्रुप के। तो और दूसरा हमारा है ऐड टू एनी शेयर बटन्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये शेयरिंग बटन्स होते हैं फेसबुक वगैरह, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉग है तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है कि आप अपने शेयरिंग जो बटन से फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, पिनट्रेस्ट जैसे उसमें बता रखा है, व्हाट्सएप और बहुत बहुत सारे, तो आप सभी के जो शेयरिंग बटन से उन्हें ऐड कर सकते हैं। अकस्मिट एंटी स्पैम, ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक खुद ने बनाया, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इनकेस अगर आप कोई भी स्पैम कमेंट हो रहा है तो आप ये उसको पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर कोई भी ऐसा कमेंट हो रहा है जिससे आपके वेबसाइट को खतरा है तो ये उसे ऑलरेडी कमेंट होने नहीं देगा और उसे हटा देगा। बीबी प्रेस यूज़ होता है कि अगर आप अपने कम्युनिटी बनाना चाहते हैं अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग के लिए तो आप वो बना सकते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे क्रिकेट स्कोर लाइव विजिट दिखे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी ऐप नहीं है, ये सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली अपने लिए यूज़ कर रखा है। ये है CSS Manify। ये किस लिए काम में आता है, इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आपके जो अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं अपने वेबसाइट की, तो CSS Manify एक बहुत अच्छा ऐप है। So you can just actually install this particular thing plugin on your website. This is a very good plugin in all if you wanted to minify your CSS. After that you can use this feature image from URL because it helps in case अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई वीडियो का लिंक डाला जाए और उसके साथ उसकी जो फोटो अटैच होती है वो भी दिखाएं, तो ये आप ऐप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये मस्ट हैव प्लगइन्स नहीं है, इन केस यू वॉन्ट ये एक अलग फीचर है जो ऐड हो जाता है। इमेज विजिट होता है कि यानी कि आप अपने जो इमेज होती है उनको ऐड करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बहुत आसानी से अपने मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर पाएंगे अपने वेबसाइट पे। इमेजिफाई होता है कि इन केस अगर आपके इमेजेस बड़े हैं या छोटे हैं या जो भी हैं इन केस, तो वो आपको एक पर्टिकुलर उन इमेजेस को कन्वर्ट कर देता है, उनकी साइज़ को रिड्यूस कर देता है और आपकी वेबसाइट को फास्टर लोड करने में हेल्प करता है। इंसर्ट हेडर इन फुटर्स किस काम में आता है, इनकेस अगर आप वेबसाइट के हेडिंग में या फुट में कुछ कोड डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जी आपको ऐप कब काम में आएगा, इनकेस अगर आप अपने वेरिफिकेशन मांगती है बहुत सी वेबसाइट, बहुत से अलग जैसे फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, गूगल वेब मास्टर्स हुआ, डेली मोशन हुआ, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आप अपना अगर ये वेरीफाई करने के लिए कि ये वेबसाइट आपकी है तो वो आपको एक कोड देते हैं पेस्ट करने के लिए हेडर या फुटर में, तो आप वहाँ इस पर्टिकुलर ऐप का यूज़ करके वो चीज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट आर्टिकल्स फॉर WP, आप अगर चाहते हैं कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो फेसबुक डायरेक्टली आपकी वेबसाइट से ले ले और उन्हें मोनेटाइज कर सके, तो ये आपका एक बेहतरीन सा एक उपाय है उसका। इसका पर्टिकुलर वीडियो हमने हमारे चैनल के लिए बना रखा है, तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ करके आप फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। आप मेलचिम फॉर्म्स आते हैं, इनकेस अगर आप मेल करते हैं अपने यूज़र्स को, तो मेलचिम फॉर्म्स पर ऑप्टिन कैट बहुत ही अच्छा ऐप प्लगइन है जिसे आप अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में ईमेल भेज पाएँ अपने यूज़र्स को। मिनी ऑरेंज 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस काम में आता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी जब लॉगिन हो या आपकी वेबसाइट लॉगिनेबल हो तो उसके ऊपर वो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि मोबाइल फ़ोन वेरीफिकेशन या फिर कोई किसी तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्लगइन को यूज़ करके वो एक्टिवेट कर सकते हैं। माइक्रेड इज़ ऑल्सो नॉट फॉर दैट यूजफुल।
वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यूज़र जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं अगर वो आपके नोटिफिकेशंस रिसीव करें तो आप उन्हें एक नोटिफिकेशन जैसे आता है कि दैट गूगल वांट्स टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, या तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये उस काम में आता है। रिडायरेक्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई रिडायरेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई पेज है जो पहले था जो आपने डिलीट कर दिया है, तो वहाँ पे गूगल उसे क्रॉल करेगा तो कोई क्लिक करता है तो वो एरर बताएगा क्योंकि वो पेज आप डिलीट कर चुके हैं। इन केस आप उस पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने होम पेज पे या किसी भी और पेज पे, तो आप जो पर्टिकुलर पेज है जिस जो डिलीट कर दिया उसका यूआरएल और जिस पे आप डायरेक्ट करना चाहते हैं वो, तो आप दोनों एंटर कर दीजिए। फिर जब भी कोई भी आपके उस यूआरएल पे जाएगा जो आप डिलीट कर चुके हैं तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके जो होम पेज या फिर जो भी यूआरएल आपने दिया है। शीमा किस लिए काम में आता है कि अगर गूगल चाहता है, क्योंकि गूगल स्ट्रक्चर डेटा को बहुत पसंद करता है, तो शीमा हेल्प करता है कि वो आपके जो डेटा है यानी कि जो वेबसाइट आपका क्रिएशन है सीएसएस है उनको स्ट्रक्चर्ड में फॉर्म में लेके आ जाए। साइट लिंक सर्च बॉक्स ये किस काम में आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ सर्चेबल है तो वो गूगल के ऊपर जैसे अपन देखते हैं फ्लिपकार्ट के सर्च बार अपेयर हो रहा होता है तो उस पर कोई भी डायरेक्टली सर्च करता है और वो फ्लिपकार्ट के पर्टिकुलर जो भी रिजल्ट हैं उनको डायरेक्टली देख सकता है, तो इसी तरह से गूगल पे आपके लिए भी साइट के लिए एक सर्च बार आ जाएगा इसको एक्टिवेट करने के बाद। अल्टीमेट एफएक्यू किस लिए काम में आता है, इन केस अगर आप चाहते हैं आपके वेबसाइट के लिए एफएक्यू बनाना चाहते हैं आप तो उसमें काम में आता है। अल्टीमेट मेंबर इन केस यू वांट टू क्रिएट मेंबरशिप फॉर योर वेबसाइट, की कोई भी आपकी वेबसाइट पे आए तो उसे लॉगिन चाहिए तो इसलिए आप काम कर सकते हैं इस पर। गूगल रिकैप्चा की अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रोबोट्स वगैरह आपके वेबसाइट पे लॉगिन ना करें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अपड्राफ्ट किस काम में आता है कि आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट का जो डेटा है वो आप अपने किसी किसी चीज़ पे सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, रैक स्पेस वगैरह पे, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या आपके वेबसाइट का डेटा को पूरी तरह से फुली मतलब उसे सेव कर देगा आपके पर्टिकुलर जो ड्रॉप बॉक्स, जीमेल, गूगल ड्राइव इन सब पे। वर्डफ्रंट सिक्योरिटी एक बहुत ही अच्छा ऐप है, इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें एंटीवायरस, फायरवॉल एंड मालवेयर वगैरह से, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। इन केस आप चाहते हैं इन्हें यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे सोशली लॉगिन हो जाए, फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल या फिर ट्विटर के थ्रू, तो आप इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी अपने जिसका भी अकाउंट फेसबुक, ट्विटर या गूगल पे बना हुआ है तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ आपके अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट फेसबुक के क्रेडेंशियल्स डाल के आपके पर्टिकुलर साइट पर लॉगिन हो सकता है। WP हमिंग बर्ड किस काम में आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाए तो और आपके जो इमेजेस है जल्दी लोड हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये आपके लिए जो gzip कंप्रेशन होता है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है WP हमिंग बर्ड। बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसे प्लगइन स्टोर जो वर्डप्रेस का प्लगइन स्टोर है उस पर जाके टाइप करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। WP रिव्यू किस काम में आता है, इनकेस आप चाहते हैं कि आपका कोई जैसे पोस्ट है उस पर आप चाहते हैं कि लोग रिव्यू करें, वो बताएं कि कैसा लगा उन्हें, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो ये उस काम में आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट के एकदम टॉप पे कोई नोटिफिकेशन आए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया लॉन्च किया है, आपने कोई नई ऐप बनाई है अपने चैनल के लिए कुछ भी, तो आप उस चीज़ को इसको यूज़ करके अपने वेबसाइट के फ्रंट में आप उसे ला सकते हैं। WP फ्रंट स्क्रॉल टॉप क्या होता है, जैसे आप ये आइकन देख पा रहे हैं राइट साइड बॉटम के अंदर, तो ये आप जैसे ये एकदम आपको कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो एकदम टॉप पे चला जाएगा, तो ये उस काम के लिए आता है। ये योस्ट SEO बहुत ही अच्छा ऐप है, इन केस ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत ही अच्छा ऐप है, सबसे बेस्ट है अभी तक का, जो भी जितने भी सब प्लगइन्स हैं सब में से सबसे बेस्ट प्लगइन है अब तक जो बने हैं SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इस योस्ट सबसे अच्छा है, ये आपके जो जो भी होते हैं उन सोशल मीडिया उनको कनेक्ट कर देता है आपकी वेबसाइट से, और गूगल पे आपके जो जितने भी ये सब सर्चेबल होते हैं सबको ये बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर देता है, आपके साइट मैप्स के लिए हेल्प करता है और आपके जो वेबसाइट है उसके एनालिसिस को भी गूगल को देता है, तो बहुत ही अच्छे से गूगल को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी वेबसाइट के लिए, स्ट्रक्चर डेटा के लिए, तो गूगल आपकी वेबसाइट को सबसे ऊंची प्रेफरेंस देता है और सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर रखता है। तो यही था हमारा वीडियो कि कौन से वो बेहतरीन प्लगइन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करके एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। इन केस
यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट समथिंग, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं कि वेबसाइट बनाने के बारे में या और कुछ इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यही था हमारा वीडियो आज का कि कैसे आप अपने प्लगइन्स जो होते हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप कौन से वो बेहतरीन प्लगइन्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को एक बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। यही था हमारा वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए आने वाले दिनों में और लेके आए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।